अस्सलाम वालेकुम, मैं और आबिया द कुकिंग एक्सपर्ट कल मैंने एक लाइव की थी जिसमें मैंने दिखाया था कि मेरे घर में चोरी हो गई है और पुलिस भी आई थी जिसमें उन्होंने सारा गुफुआ लिखा और फिंगरप्रिंट भी लिए। वो एक अलग से आए थे, वो अलग से गाड़ी में आए थे। तो मतलब कि अब मेरे हस्बैंड कल रात को भी गए हैं थाने और अब सुबह के टाइम दिन में भी गए हैं। बस अल्लाह करे आप सब दुआ करें कि इंसाफ हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी एक सिस्टम था ना, जो भी था, ये मैं आप लोगों के सामने आने की वजह ये है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरी आवाज़ दूर तक जाए। अल्लाह ताला मदद कर दे, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मदद कर दे। बाकी जो है आप लोगों के सामने मैं सारा इसको ज़रूर लेके आई हूँ, इसलिए लेके आई हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ सुनो। आप मेरी बेटियाँ, माशाल्लाह तीन बेटियाँ, मेरी एक बेटा है। और मैं ना चैनल बनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला मुझे अपनी छत दे दे, क्योंकि हम लोग किराएदार हैं, हम लोग हमारा अभी अपना ज़ाती घर नहीं है, हम लोग किराएदार हैं। और मेरा यही मकसद है कि अल्लाह ताला मेरी इतनी मदद करे, इतनी मदद करे, आप सबका साथ मुझे मिले और इंशाल्लाह ताला जो है मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ, सक्सेसफुल हो जाऊँ मैं। बाकी अल्लाह ताला बस करम कर दे, आप दुआ करें कि हमारा मसला हल हो जाए, पुलिस हमारा अच्छे तरीके से साथ दे और इंशाल्लाह ताला हमारी जो चोरी हुई है वो हमारी कवर हो जाए और हम लोगों को हमारी चीज़ मिल जाए जो गुमी है। आप यकीन जाने हकीकत और हक सच ये है कि खुदा ना खास्ता अगर वो ना मिली ना तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं चैनल कैसे चलाना है, मुझे नहीं पता। बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने घर कैसे चलाना है, घर किस तरह हम लोगों का चलेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो कारोबार है वो है इंस्टॉलमेंट का। तो हम लोग बहुत मुश्किल से उसको चलाते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं। और अब आप यकीन जाने मैं कल रात को सोई हूँ, क्योंकि जाहिर बात है दिन सारा रोते हुए गुजर गया कि अल्लाह पाक ये क्या मसला बना हुआ है, ये क्या मसला हुआ है। तो दिन सारा इसी तरह से रोते हुए ही गुजर गया। तो रात को जब मेरी आँख खुली है, कसम से ऐसा लगा, जिस तरह मुझे ऐसा लगा जिस तरह पता नहीं क्या चीज़ मेरे से परे हो गई है, क्या चीज़ मेरी इस तरह की है कि जिस तरह कह लें कि मुझे ऐसा लगा जिस तरह पता नहीं कौन दुनिया से चला गया है। क्योंकि एक जो बंदा इस्टेब्लिश होता है ना, उसको अंदाज़ा होता है कि हम फिर कर लेंगे, फिर बना लेंगे। तो लेकिन जब एक इंसान के पास कुछ नहीं होता और उसको पता होता है कि मैंने इसको क्या क्या और कैसे मैनेज करना है, तो उसको एक चीज़ का अंदाज़ा होता है। तो मुझे भी यही पता है कि हाँ भाई हमने किस तरह से अपने घर को चलाना है, किस तरह से हम लोगों ने मिलके एक सिस्टम को किया हुआ है। लेकिन जो सूरत हाल हो गई है, मैं कहती हूँ इतनी अफसोसनाक बात है। और दूसरी बात यह कि मुझे भी अंदाज़ा है इस चीज़ का कि जो मुल्क के हालात बन चुके हुए हैं, इसमें लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम लोग किसी के घर में जाओ, उनके घरों में से जाके चोरी करो, उन लोगों के घरों की चीज़ें निकाल लो। तुम लोगों को पता है कि अगला किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, किस तरह से अपना एक निज़ाम लेके चला हुआ है। जब तुम लोगों ने मेरी सारी कैप वो अलमारी खोली है, तुम लोगों को ये नज़र नहीं आया कि वो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं? एक मतलब कि तुम लोगों को ये बिल्कुल तर्स नहीं आया कि तुम लोग एक उस घर से चोरी कर रहे हो? पता नहीं कोई किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, तुम लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं होता? तुम लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं होता? अल्लाह को भी जवाब देना है, अल्लाह को क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना है अल्लाह ताला को? जारी बात है यहाँ पे जो तुम लोग कर रहे हो आगे जाके कैसे भरोगे? नहीं भरा जाएगा, हरगिज़ नहीं भरा जाएगा। अब मैं यहाँ पे बैठी वीडियो बना रही हूँ, बाहर इंडस्ट्री एरिया है, इतना शोर है और पंखा तक मैंने बंद किया हुआ है कि मैं अपनी आवाज़ अपनी व्यूवर्स तक, अपनी पब्लिक तक पहुंचा सकूं मैं अपनी आवाज़ को। मैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से बयान करूं, क्योंकि इंसानियत तो बहुत कम रह गई है। तुम लोगों में इंसानियत है ही नहीं है मेरा ख्याल है। तुम लोगों ने जिस तरह से चोरी की है, तुम लोग ये देखते छोटे छोटे बच्चों का घर है, पता नहीं किसी ने क्या किया है, कैसे किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो जो जेवर था वो मेरी बेवा माँ की निशानी थी। क्या तुम लोग को हज़म हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं हज़म होगी तुम लोगों को। तुम लोग दर दर की ठोकरें खाओगे। और अल्लाह करे कि मेरी वीडियो किसी तरीके से तुम लोग देखो,
तुम लोगों के सामने जाए, तुम लोगों को पता चले कि तुम लोगों ने क्या किया है। हम एक खुददार लोग हैं, मैंने अपनी खुददारी को आगे रखते हुए मैंने अपने YouTube का सहारा लिया है, मैंने अपनी आपको इस्टेब्लिश करने के लिए, आपको कामयाब करने के लिए, जब मैंने देखा कि इतनी दुनिया कामयाब हो रही है, मैंने भी ये चीज़ सोची कि YouTube का मैं सहारा लूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी दुनिया को देखा, वो माशाल्लाह इस्टेब्लिश हुई है, तो मेरे भी दिल में आया कि मैं भी अपने आप को मतलब कि इस तरह से करूँ, YouTube पे लेके आऊँ, मुझे कुकिंग आती है, मैं कुकिंग का सहारा लूँ। आप यकीन जाने मेरी कुकिंग जो है मैंने डेली बेसिस की कर दी, मतलब कि आप डेली जो बनाते हो जिस तरह से करते हो, हालांकि मेरा एम कुछ और था, मैं ये दूंगी मैं वो दूंगी, लेकिन अपने आप को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने एक काम को तरजीह दी, और काम जो मेहनत होती है वो अल्लाह ताला ज़रूर रंग लगाते हैं उसको। मैंने अपनी मेहनत को तरजीह दी, मैंने ये नहीं देखा कि किस तरह से होगा कैसे होगा। आप लोगों का सहारा लिया, अपने व्यूवर्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने चाहने वालों का, कि आप लोग मुझे मतलब कि इस तरह से सपोर्ट करोगे। और खुदा रहा मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मेरी इस वीडियो को देख के कोई भी इस तरह का मेरे लिए मजाक ना बनाए। क्यों? क्योंकि मेरे में कितनी सच्चाई है ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। और मेरी आप सबसे ये अपील है, प्लीज़ मेरी आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ बने और मेरा साथ दें, बस मुझे मेरी चीज़ें मिल जाएँ। मुझे यही अपील है कि प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें। अगर कोई मसला इस तरह का हो जाता है तो मैं अपने चैनल को बंद नहीं करना चाहती। ये चैनल मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और मुझे अल्लाह पाक आगे लेके जाएं, जिस तरह मैं चाहती हूँ, जो मेरी ख्वाहिश आता है मैं अपने बच्चों के सर पे उनकी छत बना सकूँ, अम्मियाँ बीवी मिलके एक अच्छे तरीके से, क्योंकि अम्मियाँ बीवी मिलके अपने चैनल को बहुत तरीके से टाइम दे रहे हैं कि चले अल्लाह ताला बेहतर कर दें। मुझे ब्रेन का भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पहले मैं कंटिन्यूसली शुरू में मैंने दी है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा काम स्लो कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मसला है, और मैं चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की खातिर कुछ कर सकूँ इंशाल्लाह। बाकी आप लोग प्लीज़, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा आप लोग दुआ करें कि मुझे मेरी चीज़ें मिल जाएँ। अगर वो ना मिली तो मेरे लिए बहुत मसला बन जाएगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। मैं कुछ भी नहीं बता सक रही, मैं कुछ बयान कर ही नहीं सक रही, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने YouTube का सहारा लिया है कि अल्लाह नबी ने मेरे दिमाग में ये बात डाली, अल्लाह की तरफ से मेरे दिमाग में ये बात आई। अल्लाह ताला हर इंसान से कहते हैं कि तुम हीला करो फसीला मैं हूँ। मैंने YouTube का सहारा लिया कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, और मुझे फ़ख्र है कि YouTube के ज़रिए हम लोग घर में बैठे काम कर रहे हैं और YouTube हमें प्रमोट कर रहा है, हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। लेकिन हर चीज़ के लिए एक पैसे की ज़रूरत होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग दुआ करें, मुझे मेरी चीज़ें मिल जाएं, मुझे मेरा मसला हल हो जाए, अल्लाह ताला मदद कर दें। प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरा साथ दें, आप लोग ज़रूर मेरा साथ दें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। इस टाइम मैं बहुत मुश्किल हालात में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में हूँ, आप लोग बस दुआ करें, अल्लाह पाक मेरी मदद कर दें। जैसे इंशाल्लाह ताला मसला हल होगा मैं तो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, मुझे आप लोगों की फुली सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, बस दुआ करें कि मेरा मसला हल हो जाए इंशाल्लाह। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह से खुल के बताऊँ, क्या करूँ, मुझे कोई अल्फाज नहीं मिल रहा। बस अल्लाह ताला मेरे अपने बेहतर कर दे, आप लोगों ने मेरे लिए ये दुआ करनी है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी अपनी कोई ना कोई रेसिपीज़ दे सकूँ, किस तरह से देनी है ये भी मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, अभी ये मुझे भी नहीं पता कि मैंने किस तरह से देनी है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, आप साथ रहें, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ़िलहाल अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे समझ से बाहर हो चुका है, मैं क्या करूँ, किस तरह से मैंने करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना भी खूब सारा ध्यान रखिएगा, और बस मेरे लिए दुआएं मत छोड़िएगा, ज़रूर मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।